N1 हमारे लिए लेके आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं वी हैव फ्रीडम ऑफ वर्क, यानी कि यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। डजंट मैटर आप एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉई है, होम मेकर है, हाउस वाइफ है या फिर फ्रीलांसर है, आप इजीली अपने टाइम को जो भी आपका स्पेयर टाइम है उसमें आप एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और सेवन फिगर रिवॉर्ड्स भी अर्न कर पाएंगे विद द पावर ऑफ N1 फ्रीडम ऑफ वर्क। सेकेंडली दोस्तों आप यहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, वो हमेशा एक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, एक नेटवर्क को बनाते हैं, एंड वी ऑलरेडी नो दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। बट दोस्तों आम लाइफ में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट लाइफ की या जॉब लाइफ की, तो वहां पे हम एक इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते, वी कैन नॉट बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी। बट दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो यहाँ पे आपको N1 ये पावर देता है कि आप अपनी खुद की एक कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे, एक बड़े लेवल पे बना सके एंड उनको लीड कर सके, गाइड कर सके एंड इंस्पायर कर सके। और ऐसा करने पे यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ शेयरिंग हैप्पीनेस, बिकॉज जब आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं उनके लेवल्स, उनके रिवॉर्ड्स, उनकी इनकम्स अचीव होती हैं, सो यू आर द रीजन बिहाइंड देम, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में ड्रीम्स पूरे हो पाते हैं, उनकी लाइफ में विजन रियलिटी में बदल पाते हैं, एंड दिस इज वाई N1 इज हियर विद यू टू हेल्प यू टू शेयर द हैप्पीनेस ऑन अ ग्लोबल लेवल। उसके बाद दोस्तों मेकिंग पॉसिबिलिटीज की बात करें तो लाइफ में बहुत सारे लोग ऑलरेडी कई बार एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि जिस लेवल पे हम अभी काम कर रहे हैं उससे आगे बढ़े, जो हमारी ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई हो, जो हमारी इनकम है वो मल्टीप्लाई हो, बट वी ऑलरेडी नो कि डजंट मैटर हमारे अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, जब तक हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा प्रूव करने के लिए तब तक हम उन पॉसिबिलिटीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे N1.Live आपके लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज लेके आ चुका है जहां पे आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे एंड अपना नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर पाएंगे। एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द पार्ट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा अल्टीमेट गोल है, हम नहीं चाहते कि रोज सुबह उठ के ये देखना पड़े कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा है या कितना पैसा कमाना पड़ेगा या सैलरी से जो भी खर्चा आ रहा है वो कैसे निकलेगा। सो फॉर बिल्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम वी नीड अ प्रूवन सिस्टम, वी नीड अ प्रूवन प्लान, जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट मिले, जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले कि हमें ये चीजें करनी है, और ये प्रूवन सिस्टम है जहां से ऑलरेडी लाखों लोग अर्निंग कर चुके हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी पैसे अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हम लोग देखेंगे जो N1 हमारे लेके आया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉर्डिक इकोसिस्टम के बारे में, एक ऐसा शानदार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम जो आज अपने काम से इतना ज्यादा प्रूफ कर चुका है। तो यहाँ पे नॉर्डिक नाम का मोहताज नहीं रहा है दोस्तों, आज जितने शानदार फीचर्स, ब्लॉकचेन फीचर्स और जितने भी अपडेट्स को लेकर नॉर्डिक मार्केट में आया है, पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने माना है कि यस दिस इज द फ्यूचर दैट कैन एंटायरली चेंज द हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी। सो पीपल कॉल इट द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम फॉर द नेक्स्ट बिलियन, यानी कि आने वाले बिलियंस ऑफ पीपल के लिए नॉर्डिक जो फीचर्स लेके आया है, जो अपडेट्स लेके आया है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। सो आइए बात करते हैं दोस्तों नॉर्डिक के, थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज नॉर्डिक। नॉर्डिक एक ऐसा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जहां पे यू नो मेन स्ट्रीम अडॉप्शन पे काम किया जाता है, यानी कि हमने आज तक देखा है कि ब्लॉकचेन कुछ लोगों को पता है कि केवल क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, बट नो, ब्लॉकचेन इज द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। एंड यहाँ पे नॉर्डिक एक खुद का ब्लॉकचेन, खुद का इकोसिस्टम डेवलप करके उसको इस प्रकार से यूटिलाइज कर रहा है कि कैसे हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्लॉकचेन से कैसे फास्ट, बेटर और सिक्योर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें कई सारे वेब 3 पेमेंट सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, गेमिंग सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम आगे डेप्थ में बात करेंगे। और दोस्तों उससे पहले आइए जान लेते हैं नॉर्डिक के ऐसे 9 स्पेशल फीचर्स, नॉर्डिक के वो 9 जेम्स, वो 9 खास हाइलाइट्स जिनकी मदद से, जिनकी वजह से आज नॉर्डिक एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाया है एंड जिसकी वजह से नॉर्डिक एक यूनिक अपने आप में प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों, इट इज EVM कंपैटिबल, यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन पे रन होता है एंड इथेरियम बेस्ड लेयर 2 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे काम करता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, सेकंड चीज कि यहां पे 0 गैस फीस प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। दैट मींस कि अगर बहुत सारे ब्लॉकचेन से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे हमें गैस फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे 0 गैस फीस ट्रांजेक्शन है, आपको कोई ट्रांजेक्शन भी पे नहीं करनी। ओके, एंड इसके साथ साथ दोस्तों आप देख पाएंगे कि नॉर्डिक का इकोसिस्टम खुद का है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स में क्या क्या एप्लीकेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइस अभी इकोसिस्टम्स की बात करेंगे और उसके बाद गाइस DPoS टेक्नोलॉजी, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है, जहां पे हमें 100 वैलिडेटर नोड्स देखने को मिलते हैं, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड देखने का फीचर मिलता है, जहां पे हम देख सकते हैं इस ब्लॉकचेन के अंदर 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड हमें नॉर्डिक देता है। एंड उसके बाद वी हैव डेडिकेटेड टेक एंड डेवलपर रिलेशन टीम इन द नॉर्डिक टीम। तो नॉर्डिक के पास कोई आउटसोर्सिंग टीम नहीं है, बल्कि खुद की नॉर्डिक की ऑफिशियल टीम है जो
बहुत ज्यादा स्किल्ड है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे वर्क कर रही है, जिनकी मदद से आज बहुत सारे इकोसिस्टम सही हो पाए हैं एंड नॉर्डिक के शानदार फीचर्स वर्ल्ड वाइड पहुंच सके हैं। एंड उसके बाद यू कैन सी द मेन नेट इज ऑलरेडी लाइव इन फरवरी 23 विद टेस्टनेट फॉर डेवलपर्स विद डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी जो मेन नेट है उसको आप लाइव देख सकते हैं, या जितने भी व्हाइट पेपर्स, डॉक्यूमेंट, गिटहब, वो सारी चीज ऑलरेडी इंटरनेट पर लाइव है, उसको जाके आप स्टडी भी कर पाएंगे। उसके बाद यू कैन सी गाइस की द बिगेस्ट अपडेट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम क्या देखते हैं कि कॉइन को बोला जाता है कि लॉन्च होगा आने वाले 6 महीने में, 1 साल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनआरके कॉइन के लिए आपको वेट नहीं करना है गाइस, एनआरके कॉइन क्योंकि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इतना ही नहीं 6 टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी हो चुका है। एंड ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोग्रेस 2-3 साल का नहीं बल्कि लास्ट 2-3 मंथ्स का है, जो अपने आप में इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोर देन 150,000 कम्युनिटी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है ग्लोबली, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस इकोसिस्टम के साथ अपनी लाइफ को बदल रहे हैं और बदल भी चुके हैं। एंड उसके बाद यू कैन सी द नॉर्पे पेमेंट फैसिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे आप डेबिट कार्ड को यूज करके क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट भी कर सकते हैं एंड उसको ऑफिशियली लाइसेंस मिल चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड द 9th पॉइंट जहां पे आप देख सकते हैं 8+ इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ केवल नॉटेक स्टार्ट हुआ था और अभी हर हफ्ते 2 से 3 न्यू पार्टनर्स एवरी वीक कनेक्ट होते रहते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि इन 9 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि नॉर्डिक कितना वैल्यूएबल इकोसिस्टम बन चुका है आज पूरे वर्ल्ड में। आइए और डेप्थ में जानते हैं चीजों को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दिया है कि कैसे नॉर्डिक सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। दोस्तों यहाँ पे नॉर्डिक की ओन ब्लॉकचेन है जहां पे वो ब्लॉकचेन को यूज करते हैं एनहेंस करने के लिए वेब3 अडॉप्शन मॉडल को, यानी कि वेब3 अडॉप्शन, वेब3 पेमेंट को एक तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे लाखों करोड़ों लोगों तक आज भी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाती। लेकिन दोस्तों क्योंकि आज हम जानते हैं इंटरनेट देश के हर कोने में, गांव के हर कोने में, शहर के कोने कोने में पहुंच चुका है, तो उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि जब इंटरनेट सब जगह पहुंच सकता है तो ब्लॉकचेन भी सब जगह पहुंच सकती है। और जहां ब्लॉकचेन पॉसिबली जा सकती है वहां पे ऑलरेडी नॉर्डिक अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को लेकर के पहुंच रहा है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज सोसाइटी में यहाँ पे ला चुका है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉर्डिक इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि नॉर्डिक का एक ऐसा खुद का यूनिवर्स जहां पे आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और वेब3 एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी जो कि नॉर्डिक की ओन ब्लॉकचेन पे डिजाइंड है। और दोस्तों ये एप्लीकेशंस केवल वर्चुअल एप्लीकेशंस नहीं है, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमारी मदद करने वाली है। सो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं nordic.io का होम पेज है जहां पे हम जाके इसके बारे में देख सकते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, लेट मी ओपन द ब्राउजर। तो आइए एक बार चल के फटाफट से चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग कि किस प्रकार से यहाँ पे ये सारे इकोसिस्टम्स को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है एंड लेट मी ओपन द होम पेज ऑफ नॉर्डिक विच इज nordic.io। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज ऑलरेडी रेडी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप आएंगे होम पेज पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी, प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। नॉर्डिक ब्लॉकचेन पे अगर आप जाएंगे व्हाइट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मेन नेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेन नेट पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी आंखों के सामने सारा डेटा लाइव फ्लैश होता है। यू कैन सी टोटल 4,14,490 टोटल ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुकी है, 1,74,000 से ज्यादा के वॉलेट एड्रेसेस एंड एनआरके का प्राइस जो कि मात्र 2.5 सेंट से स्टार्ट हुआ था, करेंटली यू कैन सी अराउंड 9 सेंट्स के आसपास चल रहा है। टोटल स्टेक एनआरके आप देख सकते हैं, एक्टिव वैलिडेटर्स देख सकते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको दिख सकता है। सारी साइकिल्स सेकंड बाय सेकंड यहाँ पे अपडेट हो रही है। लेटेस्ट ब्लॉक आप देख सकते हैं हर 5 सेकंड में यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी राइट। एंड उसके बाद जितनी भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आपको लाइव दिखेंगी। सो दिस इज द मेन नेट जो ऑलरेडी लाइव है, कोई भी जाकर के इसको एक्सेस कर सकता है बाय विजिटिंग nordicscan.com। नाउ कमिंग बैक टू द नॉर्डिक वेबसाइट, यू कैन सी व्हाइट पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद जितने बड़े बड़े मीडिया ग्लोबल ब्रांड्स हैं वहां पे नॉर्डिक के बारे में लोगों ने क्या क्या आर्टिकल्स लिखे हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नॉर्डिक ब्लॉकचेन क्यों इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है, 5 सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन रिजॉल्व हो जाती है, 99% डीपीओएस टेक्नोलॉजी है एंड दोस्तों वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे 0 गैस फीस की सुविधा में मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स सारे आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। एनआरके कॉइन्स कहाँ से आपको बाय करनी है, इसका इकोनॉमिक्स क्या है, उस पर बात करेंगे। यार नॉर्डिक का शानदार इकोसिस्टम, ऐसे एप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं कि ऑफिशियल क्रू मेंबर्स की यहाँ पे लिस्ट है। आप देख सकते हैं मिस्टर राजेश कश्यप हु इज द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नॉर्डिक, जिन्होंने 40 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स डेवलप करी है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मिस्टर नवल किशोर हु इज द को-फाउंडर। एंड आज दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग सरप्राइज ये है कि आज
इन्हीं सबके बीच में से मिस्टर नवल किशोर जी हमारे बीच में है, जो कि यहाँ पे काफी सारी हमारे साथ लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेट फॉर दैट मोमेंट, एंड तक बने रहिए। सनी मोंटी जी इज द सीईओ ऑफ एटर्नलस एंड नॉर्डिक एडवाइजर, मिस्टर कैम गैरी इज द सीईओ ऑफ नेमेसिस एंड नॉर्डिक एडवाइजर, मिस्टर ऐश्वर्य जैन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, डॉक्टर जॉर्ज इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ PlayTrade.win, मिस्टर विकास कुमार एंड यसीन अमार इज द लीगल एडवाइजर। सो दिस इज द ऑफिशियल टीम जो बहुत तेजी से नॉर्डिक को ग्रो करने में मदद कर रही है। कहां कहां से एनआरके आप बाय कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, एंड गाइज लॉट ऑफ पार्टनर्स आर टाइंग अप एवरी सिंगल वीक। सो nordic.io सिंपल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आपको सारी चीजें लाइव मिलेंगी, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू कैन गो एंड चेक ऑन योर ओन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ शानदार इकोसिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्पे के बारे में। तो दोस्तों आज तक के क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे नॉर्पे फैसिलिटी हमें दिखती है जहां पे आपने डेबिट कार्ड यूज करा होगा पेमेंट्स के लिए, स्वाइप करने के लिए, शॉपिंग के लिए, एटीएम से विड्रॉल करने के लिए, लेकिन उन सभी में आप अपनी फिएट करेंसी का यूज करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे नॉर्डेक ने एक नॉर्पे फैसिलिटी ऐसी डेवलप करी है जहां पे आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं एंड क्रिप्टो बैंकिंग ऐप यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको मेटल कार्ड मिलता है और एक वर्चुअल कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे डे वन से आप 50 से भी ज्यादा टोकन्स एंड पॉइंट्स में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे यूजिंग दिस मेटल एंड वर्चुअल कार्ड। एंड दोस्तों ये जो सर्विस है एक या दो कंट्री में नहीं बल्कि 170 प्लस 170 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑफिशियली इशूड बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके बारे में आप जाके norpe.io पे जाके देख सकते हैं, एवरीथिंग इज लाइव, एंड बहुत जल्दी आपको कार्ड का अर्ली एक्सेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट अनदर माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड norflix.io। गाइज आप ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते होंगे, जारा, अमेजॉन, गुची, मैकडी, उसके बाद एप्पल, सैमसंग, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग जहां पे हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज से पहले अगर बात करें तो जहां भी हम ऑनलाइन शॉपिंग हमने करी है तो हम अपने फिएट करेंसी को यूज करा है। लेकिन आज आपके पास एक ऐसा मेथड, एक ऐसा मॉडल आ चुका है जहां पे आप अपने शॉपिंग क्रिप्टो करेंसी से भी कर पाएंगे। एंड दोस्तों norflix.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 1000 से भी ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यू कैन शॉप डायरेक्टली बाय यूजिंग योर एनआरके कॉइंस, और यहाँ पे आपको यहाँ से बाय करने पे रिडीमेबल प्रीपेड कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं और कई सारे वैल्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं। सो गाइज नाउ norflix इज देयर जहां पे आप एनआरके कॉइंस यूज करके अपनी ऑनलाइन शॉपिंग भी इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे गेम अप के बारे में। नॉर्डिक गेम अप हम जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कर रही है। इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जहां पे हर साल कई सारी चीजें अपडेट्स होती हैं। लेकिन यहां पे नॉर्डिक गेम अप एक ऐसा यूनिक फीचर लेकर के आया है जहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन गेमर्स को मिलता है, जहां पे गेमर्स कई सारे एक्सेस ऑफ वाइड रेंज ऑफ गेम्स को प्ले कर सकते हैं, एंड उसके अंदर जो भी इन ऐप परचेजेस है उसे भी क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके बाय कर पाएंगे। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको लर्निंग के कई सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे, एंड साथ साथ आपको गेमिंग करने पे बहुत सारी ढेर सारी अर्निंग भी होने वाली है। तो यहाँ पे कई सारे गेम्स हैं, PlayTrade.win पे आप जाएंगे तो बहुत सारे गेम्स मिलेंगे जहां पे आप लाइव अर्निंग कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स आपको पे आउट मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग एंथुजियास्ट हैं, अगर आपको ट्रेडिंग पसंद है या फॉरेक्स पसंद है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है PlayTrade.win, जो कि नॉर्डिक गेम अप का पार्ट है, जहां पे आप ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स में, फॉरेक्स टूर्नामेंट्स में पार्ट ले सकते हैं, एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस अगर आप टॉप 10 या टॉप 20 में आते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स जहां पे आप अपनी टीम के साथ ग्लोबली बना करके अपनी टीम को खेल सकते हैं, एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। सो गाइज दिस इज फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स इन नॉर्डिक, विच इज द इकोसिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे शानदार एप्लीकेशन, ऐसे शानदार चीजें जो रियल लाइफ में हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा की, विच इज टोकनॉमिक्स, यानी कि कितनी टोटल सप्लाई है एनआरके कॉइन्स की एंड इसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाएगा। सो यू कैन सी द टोटल सप्लाई ऑफ एनआरके कॉइन्स इज 2.1 बिलियन, विच इज 2,10,00,000 एनआरके कॉइन्स, राइट। अब इनको यूटिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे सिंपली गिवन है, आप देख सकते हैं कि 4% पार्ट है अर्ली अडॉप्टर्स के लिए, 15% पार्ट इज फॉर द टीम, 30% इज द मेजोरिटी पार्ट जहां पे हम सभी लोग गेमिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, एयरड्रॉप्स कर सकते हैं, एयरड्रॉप्स ले सकते हैं, एंड कम्युनिटी ग्रो करके बहुत सारे रिवॉर्ड्स को हम अर्न कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों 15% पार्ट है ट्रेजरी के लिए, 15% पार्ट है डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए, 11.5% इज द प्राइवेट राउंड, 5% फॉर एडवाइजर्स, 2% फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड 1.5% फॉर द IDO। सो आई होप कि यहां तक हमने काफी नॉलेज ले ली है एंड काफी सारी चीजें हमने समझी कि नॉर्डिक क्या है, कैसा शानदार इकोसिस्टम इसने डेवलप किया है, एनआरके कितना वैल्यूएबल है और इकोसिस्टम्स के बारे में हमने देखा, एंड साथ ही साथ द अमेजिंग 9 फीचर्स ऑफ नॉर्डिक। यहां तक सारी चीज जानने के बाद एक क्वेश्चन मैं आप सभी व्यूअर्स से करना चाहता हूं, लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं। सो गाइज डू यू वॉन्ट, या मैं पूछूं कैन यू अफोर्ड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को
मिस करना अफोर्ड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम एक लेट टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जो एक अर्ली स्टेज पे, बहुत अर्ली स्टेज पे हमें मिल रही है। आज से अगर 8 से 10 साल पहले की बात करें तो दोस्तों ऐसा एक ट्रेंड आया था जब सबने सुना था कि बिटकॉइन इज समथिंग, ब्लॉकचेन इज समथिंग, एंड काफी सारे लोगों को लगा कि ये तो स्कैम होगा, दिस इज जस्ट अ बबल। लेकिन वहां कुछ परसेंट लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करा, नॉलेज लिया, केवल बातों पे या लोगों पे बिलीव नहीं करा, दे स्टडीड देयर ओन सिस्टम्स, उन्होंने नॉलेज ली, इन्फॉर्मेशन ली एंड उस इन्फॉर्मेशन पे एक्शन लिया। और आज दोस्तों वही लोग हैं हमारे बीच जिन्होंने प्रूव किया है कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप बहुत कम समय में सही प्लेटफॉर्म के साथ, सही गाइडेंस के साथ एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, आज अगर किसी को डिजिटल एसेट्स बाय भी करने हैं तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है? गाइज आज अगर हम बीएनबी को बाय करें तो अगर वो $21,000 तक पहुंचता है तब जाके आपको 7x रिटर्न मिलेगा। बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, $2.5 लाख तक जब वो आने वाले टाइम में पहुंचेगा तब आप 10x रिवॉर्ड अर्न कर पाएंगे। इथेरियम जब $25,000 टच करेगा तब जाके आप 15x अर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अर्ली स्टेज पर नहीं है, इनका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप हो चुका है। अब हम अगर अफोर्ड करने की कोशिश भी करें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस हमें यहाँ पे शॉर्ट टाइम में नहीं दिखेंगे। लेकिन दोस्तों कैसे रहेगा अगर आपको एक ऐसी टाइम मशीन मिल जाती कि पास में जाके एक अर्ली स्टेज पे आप ऐसे एसेट्स को अफोर्ड कर पाते? सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट यस उसके जैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास करंटली है, विच इज द एनआरके कॉइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि लाखों डॉलर्स की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट $1,000। यहाँ पे $100 की भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते, केवल अगर $5 का प्राइस एनआरके टच करता है आने वाले नियर फ्यूचर में तो यू कैन सी हम 100x से लेके 300 टाइम्स यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज द लेयर टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो अर्ली स्टेज पे आपको मिल रही है, खुद की ओन ब्लॉकचेन के साथ, खुद के ओन इकोसिस्टम के साथ। सो आई थिंक ऑलरेडी जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने स्मार्ट चॉइस अपनी ले चुके हैं, एंड जो रिमेनिंग स्मार्ट लोग हैं दे आर विटी इनफ टू टेक द राइट एक्शन, राइट? सो टेक योर राइट एक्शन, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑफिशियल पार्टनर्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं दोस्तों की जो इकोसिस्टम केवल 8 पार्टनर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, आज 50 से भी ज्यादा ऑफिशियल पार्टनर्स, ऑफिशियल ब्रांड्स यहाँ पे टाई अप कर चुके हैं, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ बिग नेम्स ऑल्सो, राइट? इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ जर्नी है नॉर्डेक की, जो कि ग्लोबल लॉन्च हुआ दुबई में ऑन 14th मार्च, एंड यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे 15th मार्च को आप देख सकते हैं विच वॉज इंटरनेशनली भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023, एंड दिस होल इवेंट इन दुबई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्डेक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं 19 एंड 20 मार्च को वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट ऑफ दुबई विच वॉज अगेन स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्डेक, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे काफी सारे डिजिटल एंथुजियास्ट ने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा। एंड यू कैन सी द सिंगापुर वेब थ्री पार्टनरशिप मीट ऑन 24th अप्रैल, जो की एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड इवेंट होता है वेब थ्री पेमेंट पार्टनरशिप के ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों की नॉर्पे के बारे में जानने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ है, कितने सारे लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन चेक आउट द वेब थ्री सोशल मियामी इवेंट ऑन 18th मे, जहां पे आपको नॉर्डेक की टीम दिखेगी, कुछ लोग दिखेंगे जो नॉर्डेक के बारे में इन्फॉर्मेशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड दोस्तों एक बहुत खास मूवमेंट उन लोगों के लिए जो n1.life के साथ कनेक्ट होकर के अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, यू कैन सी द फर्स्ट ट्रिप विच वॉज फुली स्पॉन्सर्ड बाय n1.life, एंड दिस वॉज दुबई ट्रिप विच वॉज हेल्ड ऑन 12th एंड 13th मे। यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी एंजॉयमेंट होते हैं, वो सब लोगों ने एंजॉय करा, और यहाँ पे केवल कुछ लोगों की मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों, 100 से ज्यादा अचीवर्स ने इस ट्रिप को इंडिया से अचीव किया, एंड वहां पे सारे कम्युनिटी प्रोग्राम, सारी चीजें एंजॉय करी। और साथ ही साथ सबसे स्पेशल मोमेंट ये था कि जितनी भी ऑफिशियल टीम है उनसे फेस टू फेस बात करने का मौका भी मिला। सो ऐसे इवेंट्स बैक टू बैक आते रहते हैं, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो यू कैन सी द समिट एक्स 2023 सिंगापुर इवेंट विच वॉज हेल्ड ऑन 4th मे। सो दोस्तों ये जो हमने बातें करी है, जो जर्नी हमने यहाँ पे देखी है, जो अचीवमेंट्स देखे हैं, जो प्रोसेस देखी है, मैं अगेन बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ जर्नी ऑफ 2, 3, 5, 10 ईयर्स, दिस इज जस्ट लास्ट 3 मंथ्स प्रोग्रेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 3 मंथ्स में जब इतना कुछ हो सकता है तो आने वाले 3 साल में या आने वाले समय में कितना तेजी से हम लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस इकोसिस्टम के साथ वर्ल्ड वाइड ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने बात कर ली है नॉर्डेक इकोसिस्टम के बारे में, आई होप आपको काफी अच्छी नॉलेज जानने को मिली होगी। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो के प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि आगे जो हमें यहाँ पे n1.live में कुछ देखने को मिलने वाला है, जो रिवॉर्ड्स अर्न करने को मिलने वाले हैं, वो किस प्रकार से होने वाले हैं। एंड क्योंकि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी है तो हम थोड़ा शॉर्ट में चीजों को डिस्कस करेंगे, बट लेट मी शेयर यू द वीडियो जहां से कई सारी चीजें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी और आगे की कुछ चीजें आपको पता भी चल जाएंगी। सो जस्ट लेट मी शेयर द वीडियो फॉर यू।
Introducing Nordic Blockchain Network, a lightspeed ecosystem of Web3 payments and gaming solutions. Nordic creates an ecosystem that offers a plethora of opportunities. Why choose Nordic Blockchain? Because it strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for the mainstream adoption of Web3 payments. Presenting the Nordic ecosystem, which brings the most diversified and innovative projects. Powered by Nordic Blockchain, it is designed to help the next billion users adopt blockchain in their day-to-day lives. Nordswap is the first equity crowdfunding platform built using Nordic chain technology. NordPay allows you to experience 2023's fastest and most secure way to spend your crypto across millions of merchants globally using NordPay Visa MasterCard. Norflix, an all-in-one digital rewards platform for your need that allows you to unlock the power of your digital assets. Nordic Wallet, exchange, trade, and perform crypto asset transactions within minutes. Store and manage your NFT collectible all in one place with 24/7 access. Nordic Game Hub. Nordic's Game Hub will be the first choice for any game developers to have the best gamify or metaverse development experience. Why should you become a part of the exclusive N1 universe? In the world of N1, even the last user emerges a winner. Tokenomics that takes all aspects into consideration to give you a one-of-a-kind approach into the extraordinary N1 adoption model. Choose a staking pack from the available options and qualify for multi-level rewards. Expand your N1 network and get instant referral rewards. Join one of our basic, advanced, or premium options. Unlock the next package with every new referral. Become a global lifetime achiever and get 40% of the rewards immediately. This reward will be calculated on the basis of total rewards distributed within your team. Daily rewards to be distributed amongst all Diamond members, Double Diamond rank members, and Royal Crown rank achievers. Build your pool, expand your network, and get rewarded with each pool entry. At N1, we are passionate about fostering the growth of the crypto community and the adoption of NRK coin. Okay, so guys, यहाँ पे हमने वीडियो के थ्रू भी सारी चीजों को देख लिया है. Now it's the time for the most awaited time of today's evening. तो यहाँ पे आगे की चीजों को कंटिन्यू करने के लिए मैं एक स्पेशल पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा. अगेन, जो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के अपडेट्स हमारे लिए लेके आते हैं, कई सारे लोगों को गाइड करते हैं, एंड इज द काइंड ऑफ अमेजिंग लीडर, द अमेजिंग पर्सनालिटी, जो काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में रॉकिंग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं विद दिस अमेजिंग पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years. सो लेट मी वंस अगेन इनवाइट द ग्रेट पर्सनालिटी, द ग्रेट लीडर, द इंस्पिरेशन, मिस्टर नवीन चौधरी सर. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द प्रेजेंटेशन. सर, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच अभिनव. सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभिनव ने नॉर्डिक इकोसिस्टम के बारे में हमें बताया, और नॉर्डिक इकोसिस्टम के बारे में आपने अभिनव के अल्फाज में एक एक प्रोडक्ट को समझा. इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में हम सब लोगों को इस पूरे इकोसिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया, और नॉर्डिक क्या करने जा रहा है वो हमें बताया कि किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग यूजर्स को, जो क्रिप्टो कम्युनिटी ऑलरेडी पिछले डिकेड में जो बन चुकी है, ऑलरेडी जो यूजर्स क्रिएट हो चुके हैं, उनके लिए नॉर्डिक क्या ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर के आया है. सो आज अगर मैं बात करूं इस ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, ब्लॉकचेन स्पेस में, तो दुनिया के वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स, वो बेहतरीन इकोसिस्टम आज नॉर्डिक बना चुका है, और अब वो स्पेशल घड़ी आ चुकी है जहां से हमें नॉर्डिक ने पास्ट 90 to 100 days में क्या अचीवमेंट लिया है, क्या कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और आने वाले टाइम में फ्यूचर 2030 यानी नॉर्डिक मिशन 2030, जहां पे हम लोग आने वाले 7 ईयर में नॉर्डिक और एनआरके को कहां पे देखने वाले हैं, ये सारी जो प्लानिंग, जितने भी जो अपडेट्स, जो अचीवमेंट्स, वो सारे, और क्या फ्यूचर, आज हम लोग डीपली सुनेंगे. इसलिए मैं बिना समय गवाते हुए आप सभी लोगों की जबरदस्त वाली वेलकम
वेलकम ऐसे नहीं होगा, वेलकम से हमें पता लगना चाहिए कि वेलकम कैसे हो रहा है। हम लोग उनका अभिवादन, चाहे वो हम लोग हैंड रेज करके और तालियां बजा करके, और हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त वाले वेलकम के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा को फाउंडर ऑफ द नॉर्डिक मिस्टर किशोर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। यानी आज का स्टेज यही हमारा स्टेज है जहां से हम लोगों को वो उद्बोधन देने वाले हैं, हम लोगों को वो सारी प्लानिंग बताने वाले हैं। तो मिस्टर किशोर, आप मेरी वॉइस अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओवर टू यू। यस यस, थैंक यू सो मच। एंड आई एम थैंकफुल। पहले मैं अपने सभी जूम में इनवाइटेड जितने भी हमारे गेस्ट हैं, जितने साथी हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं और न्यू मेंबर्स भी हैं, उन सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद ये देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मिलके ये 96 डेज आई थिंक ऑन अप्रैल मई जून यस 96 डेज, 100 डेज पूरा कंप्लीट नहीं किया अभी, तो इस 96 दिनों में जो आप लोगों ने जो अचीवमेंट कराई है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन सारी चीज़ों का। और बातों से तो नहीं बट रिजल्ट से ये जरूर ये थैंकफुल मैं आप लोगों को अदा करना चाहूँगा। और मैं थैंकफुल हूँ अपनी पूरे कोर टीम का, कोर टीम बोले तो जो नॉर्डेक की टीम है उनका थैंकफुल करना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात एक करके सारे प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम डिलीवर कर रहे हैं और रिमार्केबल तरीके से उन प्रोजेक्ट के रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिला है। उनमें मेरे पार्टनर एन सी ई ओ मिस्टर राजेश हैं, इसके साथ कैम गेरी हैं, सोनी मोहंती वन ऑफ द कहें तो लेजेंड ऑफ क्रिप्टो क्रिप्टो लेडी हैं हमारे साथ, जितने भी डेवलपर हैं जॉर्ज हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं हमारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने कई ऐसे चेहरे हैं जिसको सामने आप वेबसाइट पे देखते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेहरे हैं जो वेबसाइट्स के पीछे काम कर रहे होते हैं और उनकी वजह से हम लोग सामने आपके आकर वो प्रोडक्ट वो डिलीवरी हम लोग दिखा पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मीटिंग की शुरुआत करते हुए मैं एक जोरदार तरीके से आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ इस शाम की मीटिंग का। आज हमने 96 डेज कंप्लीट किया है और 96 डेज में मैं बताना चाहूंगा कि 100 डेज में कैसे आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों का बदलाव कर सकते हैं। सिर्फ 100 दिन का अगर फॉर्मूला किसी भी बिजनेस में अगर आपने लगा दिया तो अगले 10 सालों तक आपको काम के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, यानी जिसके लिए आप काम करते हैं वो उस काम के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, काम का पर्पस ही चेंज हो जाएगा। जो मैंने पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 2020-22 से लेकर अब तक जो मैंने किया है वही फॉर्मूला है 100 डेज का। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में अपने साथियों को या जितने भी हमारे आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना रहा है हमेशा मैं 90-100 डेज का फॉर्मूला देता हूं। आज मैं 96 डेज में आफ्टर 90-100 के बीच 96 डेज में आप लोगों के बीच आया हूं, वो रिजल्ट मैं दिखाना चाहता हूं कि 100 डेज में हमने कैसे काम किया और कैसे वो रिजल्ट आप लोगों के सामने आया और अगले 2030 का हमारा क्या मिशन और क्या अचीव करने वाले हैं, ये 96 डेज आप लोगों को बताएगा कि वो 2030 में एक्चुअल में जो हमारा विजन है क्या हम उसको कॉम्पीट कर पाएंगे। और ये 96 डेज के वर्किंग प्रोग्रेस रिजल्ट एंड जो हमारी डिलीवरीज है उसी से ये पता चलता है। तो मैं बताना चाहूंगा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन कंपनी है, वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन कंपनी और हमारी एग्जिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट जहां पे भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाता है उन सारी कंट्रीज में हमारी एग्जिस्टेंस रही है। अगर मैं बात करूं तो कैम गेरी ही इज फ्रॉम द यूएस और हमारी अभी जो रिसेंट हमारे इवेंट हुए हैं मियामी यूएस में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो इवेंट बिटकॉइन 2023 जो अभी जस्ट 1 मंथ बैक हुआ है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। अगर यूरोप की बात करें यूरोप में वन ऑफ द बिगेस्ट मोनाको में अभी डिक्रिप्ट के नाम से हुआ था उसको हमने स्पॉन्सर्ड किया था मेन को लीड स्पॉन्सर में। स्विट्जरलैंड में वन ऑफ द बिगेस्ट 1000 बैंक जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट और बैंकिंग के लिए काम करते हैं उनके साथ हमने अभी पार्टिसिपेट किया लास्ट वीक।
अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक में हमने सिंगापुर में, अगर सिंगापुर की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी सिंगापुर में, अगर बात करें रिपल, एल्गोरेंड, हम क्वाइन बेस की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जिनको आप ब्लॉकचेन में जानते हैं, वो सारे सिंगापुर रजिस्टर्ड हैं और लीगलाइज हैं सिंगापुर में। सिंगापुर, वी आर एक्टिवली वर्किंग इन सिंगापुर। और मैं बात करूं तो सिंगापुर में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में जो नॉर्डेक को नहीं जानती हो। नॉर्डेक के पांच से ज्यादा इवेंट ऑलरेडी सिंगापुर में हम लोगों ने किया हुआ है, और इसके साथ साथ हांगकांग में एक इवेंट हुआ है, दुबई में एक इवेंट हुआ है, ऐसे हमने 11 डिफरेंट इवेंट किए हैं लास्ट 96 डेज में। 11 इंटरनेशनल इवेंट ब्लॉकचेन के किए हैं, 96 डेज में मोर देन 90 पार्टनरशिप। वो कौन से पार्टनरशिप? वो पार्टनर्स जो आज हम बिजनेसेस में देखते हैं, कंपटीशन के लिए आते हैं। जब भी मैं बात करता हूं बिजनेस की, अपने करियर के जो भी शुरुआत दिनों में, 2000 के आसपास में मैंने बिजनेस की शुरुआत की अपने लाइफ में, और आज अगर बात करें 2023 की, तो इन 23 सालों के करियर के में जो मैंने देखा है, हर इंडस्ट्री में जब बिजनेस कोई ओपन करता है तो वो हमेशा कंपटीशन क्रिएट करता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकूं दूसरे को छोटा करके, जबकि बिजनेस का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं, आज आपने देखा होगा, आपने अपने घरों के बाहर, अपने चौराहों पे, आसपास जहां पे भी देखेंगे, अगर आपने एक कोई शॉप ओपन किया तो सिमिलरली सेम बिजनेस में दूसरा उधर आता है। अगर आपने एक प्राइस में जो भी आप बेचते हैं, आपका सेम बिजनेस मैन जो आपके साथ में अपनी दुकान खोल के बैठा होता है या बिजनेस कर रहा होता है, वो भी सेम प्रोडक्ट बेचता है, बट वो देखता है एक के साथ एक ऑफर, एक के साथ 10% डिस्काउंट, या अगर नहीं भी डिस्काउंट देता है तो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे आपके मार्केट को ग्रैब कर सके। वो ये नहीं करता है कि कैसे मार्केट को बड़ा कर सके मिलके। तो कभी भी आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में आज जो क्राइसिस हमें देखने को मिला है, या जितने भी बिजनेसेस आज पिछले 100 साल में फ्लरिश हुए हैं, जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, 100-100 साल पुरानी, 200-200 साल पुरानी, 300-300 साल पुरानी। मैं अभी यूके लंदन में बैठा हूं, और आज वन ऑफ द, अगर मैं बात करूं रिसेशन में, यूके इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशन कंट्री में है। सबसे ज्यादा अगर फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में जो आने वाला है, दैट इज ऑन यूके। मैं ये बात खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा स्टैटिस्टिक्स, ये गवर्नमेंट बोल रही है, ये रिपोर्ट्स बोल रहे हैं उनके। वाई? जबकि ये सिस्टमेटिक हो सकता था, बट क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की भावना से जब बिजनेस रन करते हैं, तो वहां बिजनेस हमारे लिए एक लूजिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता है। हमने यही चेंज लाया है। हम बाकी जितनी भी कंपनीज आज तक पिछले दस सालों में, आठ सालों में, नौ सालों में फिनटेक कंपनी ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी काम कर रही, अगर मैं बात करूं इथेरियम की, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2015, 2015 की अगर शुरुआत की बात करते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम होने की, तो 2015 से लेकर अब तक की बात करें तो तकरीबन हमारे पास 8 सालों का ये पूरा का पूरा जर्नी रहता है। 8 साल में 10,000 से ज्यादा कंपनी जाए और 100 से ज्यादा कंपनी एक्टिवली काम कर रही है। इन सब ने क्या किया? इन सब ने सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन क्रिएट किया। किसी ने सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं किया, किसी ने अवेयरनेस के ऊपर काम नहीं किया, किसी ने कोलैबोरेशन के ऊपर काम नहीं किया। कुछ कंपनीज अब जाकर उन चीजों को पे ध्यान दे रही है और उनमें अमेंडमेंट करने का काम कर रही है। अगर मैं बात करूं, वी आर द लीडिंग ब्लॉकचेन कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ, जो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एग्जिस्टिंग वॉलेट, एग्जिस्टिंग एक्सचेंज, एग्जिस्टिंग गेम, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉस सेलिंग के थ्रू। कैसे? मैं ये क्यों आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि हमारा विजन क्या है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, मार्केट हमें क्यों एक्सेप्ट कर रही है, हम क्यों सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ पाएंगे एज ए नॉर्डेक। तो हम लोग प्लेटफॉर्म सबसे पहले हमने जो लॉन्च किया वो रिमार्केबल, जो जीरो ट्रांजेक्शन फी, जीरो गैस फी हम जिसकी बात करते हैं। अगर हमारे ब्लॉकचेन की बात करें, दुनिया की पहली इकलौती ब्लॉकचेन है जिसमें जीरो ट्रांजेक्शन फीस है। तो कई लोग तो पहले शॉक्ड हो जाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जीरो गैस फी, आपको क्या बेनिफिट है? तो हम बोलते हैं कि बिजनेस करने का तरीका हमने बदल दिया है, बिजनेस वही कर रहे हैं, हमने सिर्फ वे ऑफ डूइंग बिजनेस वो हमने चेंज किया है, बिजनेस को चेंज नहीं किया है। बिजनेस सेम है, सारी चीजें सेम है, वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज द डिफरेंट। सेम लाइक
अगर मैं बात करूं डायरेक्ट रिटेल में जो बिजनेस करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिटेल का बिजनेस होता है, दैट इज वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग डिफरेंट, जस्ट इतनी सी बात है। और दोनों में बहुत सारे बदलाव आपने देखने को मिलता है। हमने कोलैबोरेशन का काम किया, हम सभी लोगों को बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, अगर आप वहां पे 1 मिलियन का ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन यूजर्स, अगर सपोज करो कि इथेरियम के 1 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं या बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं या एक्स वाई जेड जिस पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, 1 मिलियन ट्रांजेक्शन एक प्लेटफॉर्म पे 1 महीने में होता है, तो उसके ट्रांजेक्शन फीस जो वॉलेट से ट्रांजेक्शन फीस होते हैं वो प्रिंसिपली जो कंपनी होती है उसको पे करना होता है जिसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहे होते हैं, चाहे वो बैंकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो किसी भी तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रिंसिपली उसको पे करना होता है उसकी ट्रांजेक्शन गैस फीस, क्योंकि प्रोसेस ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। जब कस्टमर करता है तो कस्टमर पे करता है, जब कंपनी ट्रांजेक्शन प्रोसेस करती है तो कंपनी उसका फी पे करती है। अगर मैं बात करूं ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी 1 महीने में 5-5 मिलियन की ट्रांजेक्शन होती है। अगर मैं एक ट्रांजेक्शन फीस की बात करूं 1 सेंट, और 1 मिलियन ट्रांजेक्शन में 5 मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10 लाख ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, $10,000 मीन्स 9 लाख रुपीज वो सेव कर सकता है। एंड सेविंग इज द अर्निंग, हर एक बिजनेस में बताया जाता है जो आप सेव कर दें दैट इज योर अर्निंग। हमने वही काम किया, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसको हम अब इनवाइट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म हमारे साथ मर्ज कर सकता है विद इन 3 to 5 आवर के अंदर, इंटीग्रेट कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म को हमारे ब्लॉकचेन पे, और हमारे ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट जितने भी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट हैं और यूजर हैं वहां तक उसकी रीच पहुंच सकती है, यानी हम उसके बिजनेस को करने में हेल्प कर रहे हैं और सेम टाइम में उसके यूजर तक भी हम पहुंच पा रहे हैं। तो ये हम ओपन आर्म के तरीके से काम कर रहे हैं, खुले हाथों की तरह हम सभी लोगों को वेलकम कर रहे हैं और हम एडॉप्ट भी कर रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं सोच रहे हमारा क्लाइंट या हमारा कस्टमर ले जाएगा, क्योंकि एक ही कस्टमर किसी से इंश्योरेंस बाय करता है, किसी से लोन बाय करता है, किसी से कोई और प्रोडक्ट बाय करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत उसके लाइफ में हर एक तरह के प्रोडक्ट की है। बट ऐसा नहीं है कि एक दूसरे बिजनेस को एक दूसरा कोई कॉम्पीट कर रहा है, एक दूसरे के बिजनेस का पूरक बन रहा है, एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के बिजनेस में सपोर्ट करके फुलफिल कर रहे हैं। आज हमारे साथ अगर मैं बात करूं तो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारे साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप मॉडल में काम कर रही है। अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म्स को ओपन करके चेक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर न्यूली ब्लॉकचेन है, 96 डेज हुए हैं ओनली लॉन्च हुए, 96 डेज में ए सिंगल ट्रांजेक्शन अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ब्लॉकचेन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दैट इज नॉट ब्लॉकचेन, दैट इज रियली नॉट ब्लॉकचेन। तो हम जो काम कर रहे हैं दैट इज एन परफेक्शन वे एंड प्रोफेशनल वे, जो इस इंडस्ट्री की डिमांड है। साथ के साथ हम क्रॉस चेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम साथ के साथ मल्टी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट को एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जरूरत है। आज तक जितने भी ब्लॉकचेन की कंपनीज हैं उन्होंने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाया, बट हमारे और आपके लिए, हमारे रियल लाइफ की यूटिलिटी के लिए कोई भी एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं आज चलता हूं सुबह से शाम तक और मुझे जरूरत पड़ती है तो वहां पे मैं उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने का मेरे पास कोई साधन नहीं, कोई सोर्स नहीं है। नहीं, क्रिप्टो ने अभी तक कोई भी बदलाव रियल लाइफ में नहीं लाया। जो गैप हमारे बीच रहा है आज तक क्रिप्टो कंपनी टू कस्टमर के बीच, वो गैप को हम फुलफिल करने आए, तभी हमने ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जो आप अपने लाइफ के रोजमर्रा की जरूरत एनआरके के थ्रू, नॉर्डेक के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फुलफिल कर सको। कभी भी फिजिकल चीज वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी रुपये को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका रूप उसका क्लोन कर सकते हैं बट वो चीज कभी भी कन्वर्ट नहीं होती, रिप्लेस्ड कर सकते हैं बट कन्वर्ट नहीं होता है कभी भी। रिप्लेसिंग इज ए डिफरेंट, कन्वर्जन इज ए डिफरेंट। रिप्लेसिंग एंड कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप पानी से और कोई चीज बना सकते हैं बट किसी और चीज से पानी नहीं बना सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपकी अगर मैं बात करूं तो हमारे एनआरके से आज दुनिया का हर वो चीज जो आपकी लाइफ में जरूरत है वो आज फुलफिल कर सकते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है 96 डेज में। आप होटल की फ्लाइट की बात करें, आप ज्वेलरी की बात करें, आप फूड की बात करें, आप ग्रोसरी की बात करें, आप एनीथिंग व्हाटएवर यू नीड इन योर लाइफ यू कैन फुलफिल फ्रॉम
एनआरके कॉइन्स। तो ये हमारी अचीवमेंट रही है। अगर मैं बात करूं विजन 2030 की, विजन 2030 से पहले का विजन बताना चाहूंगा, एक साल का, पहले एक साल का। अभी मैंने 96 डेज का बताया, जो 100 डेज का था ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया। इस 100 डेज में हमने 400,000 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन किए हैं, 400,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन, दुनिया की एकलौती ओनली वन, पहली और ओनली वन अब तक की ब्लॉकचेन कंपनी है जिन्होंने 96 डेज में 400,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं और 200,000 से ज्यादा होल्डर्स हैं, 4 मिलियन से ज्यादा की टर्नओवर हम क्रिएट कर रहे हैं एवरी डे, एंड 7 से ज्यादा एक्सचेंजेस में लिस्ट हैं, 6 सेंट्रलाइज एक्सचेंज, 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऑलरेडी हम लिस्टेड हैं। और आने वाले अगले में 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं, अगले 365 दिन है, 365 डेज में 100 डे लेस करेंगे, 265 डेज रहता है अभी। 265 डेज में हमारा जो टारगेट है, जो फर्स्ट 2030 से पहले की मैं बात करूं तो हमारा पहला जो टारगेट है दैट इज नीड टू बी कंप्लीटली टॉप 10 ब्लॉकचेन कंपनी इन द ब्लॉकचेन स्पेस। वेरी सिंपल, बहुत ईजी, बहुत आसान। हमें कोई पैसे की बात नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे तभी शायद हम उस लेवल को अचीव कर पाएंगे, उस टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर टॉप 10 ब्लॉकचेन कंपनीज, अगर आप कॉइन मार्केट कैप खोलेंगे या विकिपीडिया में सर्च करेंगे या गूगल की बात करेंगे तो उनमें आपको टॉप 10 की कंपनीज नजर आएगी। उन कंपनीज तक पहुंचने का मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे या उनसे बेटर कर पाएंगे या उनको साथ लेके कुछ कर पाएंगे, तो ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और उन्हीं क्रम में हमने ये सारे प्रोडक्ट डिजाइन करें। कुछ सरप्राइज आज मैं देने वाला हूं, कुछ ऐसी सरप्राइज देने वाला हूं जो इंडस्ट्री में आज से पहले लोगों ने नहीं किया, नहीं सोचा, आम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे यूजर्स के लिए, जो जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, एक्चुअल में हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन ये कर देगा, एक्चुअल में बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ये कर देगा, जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में रियल लाइफ में यूटिलिटी की, तो रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन हम खुद भी नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मेरे पास बिटकॉइन है और आज मैं रियल में कहीं एक्सपेंस करने जाता हूं, कहीं कुछ बाय करने जाता हूं, तो मुझे 10% के चार्जेस देने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब कन्वर्ट करता है तो वो थर्ड पार्टी 3-4 लेयर्स में होते हैं और वो अपने अपने कमीशंस रखते हैं, उसके बाद हमें जाके कन्वर्ट होता है। बट मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं जो दुनिया में शायद पहली बार होने जा रहा होगा। यही इसी सरप्राइज के लिए मैं पहली बार इस मीटिंग्स में आया हूं। काफी सारी और प्लानिंग्स के बारे में मैं बात करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा पहला टारगेट है दैट इज टॉप 10 की लिस्ट में आना, और वो हम आके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें रोक सकती। उसके लिए हमने फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई, ऑलरेडी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे पास लॉन्च पैड है। किसी भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना चाहता है हमारे प्लूटो पैड पे आकर, जैसे लॉन्च पैड होते हैं, लॉन्च पैड का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे हेलीकॉप्टर के लॉन्च पैड होते हैं, आप लॉन्च पैड पे आते हैं उसके बाद उस बिल्डिंग में आ सकते हैं या उस जगह पे आ सकते हैं, उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, बनाने से लेकर उसको उड़ाने तक का काम, उसको बनाकर चलाने तक का काम, दैट इज ऑन द प्लूटोपैड। प्लूटोपैड पे आके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल डाल सकते हैं और हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी। उसको प्रोडक्ट को क्रिएट करने से लेकर प्रोडक्ट को रन करने तक की पूरी प्लानिंग होती है जिसपे आप अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। दैट इज आवर ऑन होम ब्रांड। अगर होम ब्रांड की बात है, पार्टनरशिप होम ब्रांड है। हम पार्टनरशिप का मतलब ये कहते हैं कि कोई अदर बिजनेस अगर कर रहा है तो हम उसे सपोर्ट करके अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। सेम हमने स्वैपरली, हमारा ये होम ब्रांड की बात करें तो हमारा होम ब्रांड दैट इज पार्टनरशिप, यानी हमारे अलावा किसी के साथ वो काम नहीं करेगा। ऑलरेडी वी लॉन्च स्वैपरली जिसमें आप स्टेक कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज में, बिना अपनी किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लोर किए हमारे प्रोडक्ट को एक्सेस करना ही ब्लॉकचेन है, जो कि हमारा रियल प्रोडक्ट स्वैपरली हमने लाइव किया हुआ है, जिसमें जाकर आप लोग अपने ही वॉलेट पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे और नए फीचर्स अभी अपग्रेड होने स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में आप लोगों को लगेगा
कि हाँ जो मैं कहने जा रहा हूँ वो रियलिटी में होने वाला है, और अपनी ग्रोथ आपको खुद डिसाइड करना है इस विजन को देख के हम 2030 में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं अगले 7 सालों में, और अगले 100 डेज में, अगले 265 डेज में कहाँ पहुंचने वाले हैं, टॉप 10 कंपनीज में कैसे आने वाले हैं, हम कैसे अचीव कर पाएंगे। मैं बात करूं Web3 के अंदर, अगर एक एग्जांपल दूं, आपने आर्टिकल अगर पढ़ा होगा तो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंपनी है फ्लिपकार्ट, जो कि वॉलमार्ट जो यूएस की वॉलमार्ट कंपनी उन्होंने बाय की हुई है, अब वो Web3 के ऊपर जा रहे हैं, और 1.1 मिलियन यूजर इन ए सिंगल डे क्रिएट करेंगे। वो यूजर क्रिएट करने का मतलब क्या है, अवेयरनेस और नीड फुलफिलमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने फ्लिपकार्ट से पहले प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है नॉर्फ्लिक्स के नाम पे, जिसमें आप दुनिया के हर वो चीज बाय और सेल कर सकते हैं, सेलिंग के लिए नहीं, बाय कर सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंट। हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है उसमें, मार्केट का प्रोडक्ट है, और आप वहां से बाय कर सकते हैं Web3 के थ्रू, जिसमें आपके कॉइन आप सबमिट करेंगे और रियल टाइम पे यूटिलाइज करेंगे। उसमें कोई कन्वर्जन चार्जेज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है कि मनी कन्वर्जन या ट्रांजेक्शन फीस लग रहे हैं, ऐसा कोई भी किसी तरह का चार्जेज नहीं। जो वैल्यूज आप कैरी करते हैं उसी वैल्यूज में आप बाय कर पाएंगे प्रोडक्ट जो इससे पहले किसी इंडस्ट्री में किसी ने काम नहीं किया। इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा क्रिप्टो कार्ड है, क्रिप्टो कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, जैसे ही हमारा ये 100 डेज कंप्लीट होता है हमारा क्रिप्टो कार्ड का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन में हम क्रिप्टो कार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे यूजर्स नहीं, हम पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। जैसे 90 कंपनीज ने हमने हमारे साथ, अगर न्यूली कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है ब्लॉकचेन कंपनी के साथ, को तो कुछ करियर देखा होगा, कुछ फ्यूचर देखा होगा, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी होगी उन्होंने, तभी हमारे साथ पार्टनर। एग्जिस्टिंग 2-3 साल पुरानी कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करने जा रही है, कर रही है ऑलरेडी, 100 कंपनीज, 90 से ज्यादा कंपनीज हमारे पैनलिस्ट में है। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या उसमें होने वाला है, जो आप मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो कार्ड की, वो क्रिप्टो कार्ड दुनिया में हर एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्यूशन देने वाला है, वर्चुअल वर्ल्ड टू रियल वर्ल्ड। कोई भी क्रिप्टो कंपनी जो एग्जिस्ट करती है, कोई भी क्रिप्टो कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती है, कंपनी, कम्युनिटी और यूजर, तीनों ही जो भी क्रिप्टो वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है या यूज कर रही है, वो सारे लोग हमारे क्रिप्टो कार्ड को ले सकते हैं। दैट मीन्स, मैं एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऐसी बहुत सारी, अगर मैं आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो क्रिप्टो के अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूं दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एमवे, अगर बात करूं 75 ईयर से भी ज्यादा हो गए हैं वर्ल्ड वाइड, more than 10 million से ज्यादा उसके यूजर्स होंगे, लेकिन एक्टिव यूजर की बात करूं शायद 1 million होगा या 2 million होगा। अगर कल की डेट में एमवे ने अनाउंस कर दिया वी लॉन्चिंग आवर ओन एमवे ब्रांडेड वीजा कार्ड, क्या होगा मार्केट में, उसके सारे यूजर, उसमें जितने भी यूजर होंगे उसके मिनिमम 20-30% यूजर हैं क्रिप्टो को जानते होंगे, क्रिप्टो को यूज करते होंगे, क्रिप्टो को होल्ड करते होंगे, कहीं ना क्रिप्टो में कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट होगा। वो सारे लोग, उनके 10 मिलियन यूजर जो डीएक्टिवेटेड थे, जिसमें से 90% जो यूजर है डीएक्टिवेटेड थे, वो सारे लोग क्रिप्टो बाय कर लेंगे। उनको फायदा क्या होगा एमवे को, कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने नहीं बनाया, कोई नई चीज उन्होंने नहीं थोपी, कहीं नई ट्रेनिंग नहीं दी उन्होंने, बट अगर क्रिप्टो कार्ड उन्होंने एमवे ने कल की डेट में लॉन्च कर दिया, वी लॉन्चिंग वीजा और मास्टर क्रिप्टो कार्ड टू स्पेंड योर क्रिप्टो करेंसी इनटू एनी प्लेसेस, अगर ये लॉन्च किया, अगर एक कार्ड पे, मैं बात करता हूं सिर्फ सिंगल कार्ड पे एमवे को $5 की सेविंग होती है अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ एक्सपेंस करने के बाद $5 का सेविंग होता है, और 10 मिलियन यूजर है, कोई एक बंदा नहीं होगा जिन्होंने बाय नहीं करेगा वो, क्योंकि हर कोई आज की डेट में इंटरेस्टेड है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जहां पे मैं क्रिप्टो को रियल वर्ल्ड में फिजिकल मनी की तरह यूज कर सकता हूं। एमवे की प्रॉफिट 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5, आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। That kind of income came in very first month, एक महीने के अंदर ये revenue आया बिना कोई product sell किए, बिना कोई push marketing किए, लोग खुद दरवाजा ठोक ठोक के बोलेंगे I need now in my family all member they want this card, मेरे friend, मैं, मेरे लोग, जो लोग उसके member नहीं है वो भी buy करना चाहेंगे, they want this kind of things। तो ये opportunity है एमवे के लिए, मैं example दे रहा हूं मैं आपको।
एमवे का मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ या एमवे का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, जस्ट गेटिंग ए एग्जाम्पल टू गिव यू द हाउ दिस बिजनेस मॉडल वर्क, कैसे ये बिजनेस मॉडल काम करेगा लोगों के लिए, हम लोग क्या सॉल्यूशन लेकर आए उन कंपनीज के लिए जो एग्जिस्टिंग नहीं करते हैं क्रिप्टो के अंदर। अब उसमें नया क्या होगा उनके लिए, एक बार तो कार्ड बेच दिया, उनके बिजनेस में नया क्या होने वाला है, उनके बिजनेस में नया ये होने वाला है कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर पीवी, जो पीवी ऑफर निकालते हैं 1:1 या 1:30% डिस्काउंट, वो ना दे के वो डायरेक्टली ये बोल सकता है कि आप इस कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, उस जो भी प्रोडक्ट बाय करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन आज की डेट में, होम डिलीवरी हर एक कंपनी के प्रोडक्ट की, सभी लोग ऑनलाइन ही सेल कर रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन ही सेंड कर रहे हैं, आप उसमें अगर वो कंपनीज बोलती है कि आप अगर ऑनलाइन बाय कर दो फ्रॉम द दिस कार्ड यू गेटिंग 10% और 20% और 5% एक्स्ट्रा पीवी, क्या होगा उसका बिजनेस बूम। जितने भी लोगों ने क्रिप्टो कार्ड बाय किए जो एक्टिवेटेड नहीं थे पहले से, दे ऑल आर एक्टिवेटेड मोर देन 20-30%। अगर पहले अगर 10% था तो 10-20% 50% और बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा 10% से, तो उसकी रेवेन्यू किसकी बढ़ेगी, दैट इज द बिजनेस ओनर जो कि एमवे को रन करता है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी, ये दैट इज सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम, जितने भी यूजर्स हैं उसके पास, जितने भी कार्ड हैं, वो एक महीने में एक ट्रांजेक्शन तो करेगा, मे बी दे विल डू इन एमवे प्रोडक्ट बाइंग और दे मे बी डू इन रेस्टोरेंट और समथिंग, कहीं पे भी बाय कर सकता, कहीं भी ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन कार्ड बिलोंग्स टू एमवे जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर द प्रोवाइडर्स। अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस लगाया, जस्ट इमेजिन ओनली ट्रांजेक्शन फी, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉलर की नहीं बात करता, मैं सिर्फ इंडियन, क्योंकि हम सारी इंडियन कम्युनिटी आज इस मीटिंग में बैठे, अगर मैं बात करूं 1 रुपीज ट्रांजेक्शन फीस लगाता है, उसके पास 1 मिलियन अभी एक्टिव थे, नए एक्टिवेटर हो जाएंगे 3-4 मिलियन, मैं बोल रहा 5 मिलियन ट्रांजेक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज 50 लाख रुपए आते हैं एक महीने में, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट डूइंग, नॉट सेलिंग एनीथिंग। दिस इज द बिजनेस मॉडल, ये है बिजनेस मॉडल नॉर्पे का, किसके लिए, B2B के लिए। हम ये सॉल्यूशन लेकर आए, हम सिर्फ अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम मार्केट में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपनीज एग्जिस्ट करती है, उनके लिए भी बिजनेस मॉडल लेकर आए, उनके लिए भी सॉल्यूशन लेकर आए, उनको भी ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, हमारे यूजर्स को भी मौका दे रहे हैं। हमारे यूजर जो बाय करेंगे हमारे से, अब हमारे यूजर को क्या बेनिफिट है, हमारे यूजर को ये बेनिफिट्स हैं कि वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकता है केवाईसी के साथ, नॉन केवाईसी के साथ, किसी भी तरह का टैक्स लायबिलिटीज नहीं है, कहीं भी किसी भी कंट्री में जहां पे भी वीजा एग्जिस्ट करता है उस कंट्रीज में ये कार्ड आप यूज कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ टैक्स डिक्लेरेशन, किसी भी कंट्री में, XYZ जो भी कंट्री, जहां भी आप जानते हैं वीजा एक्सेप्ट होता है, 172 कंट्रीज हैं, कभी एक दो ऊपर नीचे होता रहता है स्टेबलाइजेशन, और इसके साथ साथ मास्टर भी लेकर आ रहे हैं। साथ के साथ सबसे अच्छी बात नॉर्पे के साथ है, जो होने वाला है, जो होने जा रहा है, जिससे आप $1 million भी कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इसी मंथ में है, इस मंथ में एक डेट फाइनल हो रहा है, उस डेट में ये लॉन्च होगा, और उस डेट में जो जितना ज्यादा इसको मार्केट कर पाएगा वो उतना डॉलर उसके जेब में जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट सेलिंग एनीथिंग। आपको सिर्फ अपना रेफरल कोड देना है नॉर्पे का, और वो कार्ड कोई भी क्रिप्टो पीपल, जो भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखता है या कार्ड बाइंग में इंटरेस्ट रखता है, वो सभी लोगों से आपको कुछ ना कुछ इनकम आएगा, और वो इनकम इतना बड़ा है, पर कार्ड $25 आपको आने वाला है, और वो भी 3 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है। तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम लोग सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे, हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तो मार्केट में हर कोई बेचता है, They have the opportunity for everyone. हमारे पास प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है, साथ में अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपने कोई दुकान नहीं खोलना है, आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपके लिए किसी के मजदूरी नहीं करनी है, वो अपॉर्चुनिटी जिसको कैरी हम करते हैं, रन हम करते हैं, सिर्फ आपका हिस्सेदारी चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए,
अगर मैं बात करूं 2030 की, 2030 एक प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें, यूके की बात करें, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, इनमें एक ऑर्गेनाइजेशन है 2030 एंड 2040 का मिशन है कि वर्ल्ड वाइड एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाना है जो लंबे समय तक, अगले 1000 सालों तक ये ऑटोमेटिकली चले। ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीनरी पे काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। हम ब्लॉकचेन की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्लैनेट को भी हम अपने आप से कुछ दें। तो हमने अपना विजन रखा है विजन 2030, जिसमें हम नॉर्डिक ग्रीन के साथ एज ए ब्रांड लेकर आ रहे हैं नॉर्डिक ग्रीन, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम है उस कैंपेन का ट्रस्ट एंड बिलीव। इस कैंपेन का नाम है, और इसमें हर वो मेंबर जो सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करता है वो वॉलंटियर बन सकता है। आपको वॉलंटियर्स के फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, वेबसाइट पे जाके नॉर्डिक ग्रीन्स पे जाएंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आप अपने आप को फिल करेंगे कि मैं पेड़ लगाने में बिलीव करता हूँ, मैं पानी को क्लीन करने में बिलीव करता हूँ, मैं हवा को क्लीन करने में बिलीव करता हूँ, मैं वेस्ट मैनेजमेंट को क्लीन करने में बिलीव करता हूँ। यानी आपका जो भी पार्टिसिपेशन ऑफ एरिया है, आप अपना इंटरेस्ट वहां शो कर सकते हैं और आपको उस एरिया में काम करने का आगे आने वाले टाइम में मौका मिलेगा, जिसमें हम किसी भी तरह का कोई भी फंडिंग किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ले रहे हैं। दिस इज आवर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगले 2030 के मिशन में उन्हीं कंट्रीज के साथ हैं। हम एज ए कॉर्पोरेट हम उनको साथ दे रहे हैं कि हम हर एक कंट्रीज का हमारा प्लान है कि हमें इतनी ट्री लगानी है, हमारा इतना वाटर क्लीनिंग का काम करना है, हमें इतने रिसाइकलिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने। तो इस तरह के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा कि हमने किन किन एरियाज में कितने कितनी चीजों का डेवलपमेंट काम किया है। ये हमारा 2030 तक का पूरा मिशन है, जिसमें हमारे टोकोनॉमिक्स का 2% क्वाइन की टोटल वैल्यू हर महीने ऐड होती जाएगी। यानी आज से लेकर, यानी जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर 2030 तक का जो 7 ईयर का जर्नी है, उस 7 ईयर की जर्नी में डिवाइडेड बाय डेज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय मंथ करेंगे तो इतना रेवेन्यूज वहां जाएगा। अगर मैं बात करूं 2030 तक जिस तरीके से इथेरियम, पोलकाडॉट, बीएनबी, अगर बात करें मैटिक, अगर इन सब का अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे, मैं प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा कि वो लोगों ने क्या प्राइस ग्रो किया और क्या चार्ट रहा, आप लोग खुद चेक करना, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ। जो ग्रोथ रही है वो, अगर वो ग्रोथ हमें लगता है उसकी ग्रोथ कम रही है, क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड में नहीं लाया, जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं लाया। हम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, ग्रोथ, सब चीजें साथ लेकर आए हैं एक साथ, और हमें लगता है कि वो हमें ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा 10 टाइम 20 टाइम और 1000 टाइम ज्यादा मिलने वाला है 2030 तक। एक्सपेक्टेड प्राइस अगर $10 हिट करते हैं अगले 7 सालों में, मल्टीप्लाई बाय, आप कर लेना टोटल वैल्यू हम कितना इनपुट करते हैं इस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जो कि $40 मिलियन से भी ज्यादा का है, जो कि $40 मिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू हम 2030 के ऊपर डाल रहे हैं। अगर 40 मिलियन हम फंड डाल रहे हैं तो 2030 तक हम कितनी बड़ी कंपनी बनने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं आइडिया के लिए, आज तक जितनी भी फॉर्च्यून 500 की कंपनीज हैं, उनमें से $1 ट्रिलियन की कंपनी 2030 का टारगेट है। वी नीड टू रीच इन 2020-30 $1 ट्रिलियन कंपनी इन एज टेक्नोलॉजी। उनमें हर वो तरह के प्रोडक्ट होंगे जो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ब्यूटी टेक की बात करें, वो हम चाहे गेम टेक की बात करें, फिनटेक की बात करें, हम किसी भी इंडस्ट्री, जहां भी इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस होगी वहां उस हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे होंगे, क्योंकि 96 डेज में हमने वो प्रूव किया है। अपने आप को, इंडस्ट्री को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमने अपने आप को प्रूव किया है, कमिटमेंट को हमने डिलीवर करने का काम किया है कि जो हमने 96 डेज में करके दिखाया है वो हमें इसी रफ्तार से 2030 तक वो हमें $1 ट्रिलियन की कंपनी बननी है। और जब वो कंपनी बनेंगे तो हम $1 ट्रिलियन में हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स और नीड भी फुलफिल कर रहे होंगे साथ के साथ, और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे होंगे। मैं आज अनाउंसमेंट करने वाला हूं कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। मैं चाहूंगा, क्या आप लोग सुनने वाले हो, क्या आप लोग चाहते हो कि ये अपॉर्चुनिटी, ये
सरप्राइज आप लोगों को मिले। अगर आप लोग रियल में सुनना चाहते हो, रियल में चाहते हो कि आप लोगों के साथ साथ सिर्फ आप लोगों की नहीं, जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है मार्केट में, जो भी लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, एक्स वाई जेड, किसी टोकन में, किसी कॉइन में, किसी कंपनी में, किसी एमएलएम में, कहीं पे भी एग्जिस्ट करता हूं, उन सबको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ आप लोगों को मेरी तरफ से मिले, तो मैं चाहूंगा मिनिमम 50% लोगों का अगर वोटिंग आता है हैंड रेज की तरफ से, तो मैं ये आज अनाउंसमेंट कर दूंगा और ये अनाउंसमेंट का बेनिफिट इसी मंथ में मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वॉल्व है उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मैं वेट कर रहा हूं एक मिनट का। अगर ये 500 लोगों के हैंड रेज होते हैं 50%, 400 समथिंग बन रहे, 480 आई थिंक, तो मैं ये अनाउंसमेंट आज इसी प्लेटफॉर्म से करने वाला हूं। I think मुझे लगता है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज में होगा। आई डोंट नो, मे बी आप सिर्फ मुझे देखने आए होंगे या सुनने आए होंगे। आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी आप लोगों में के लाइफ में बदलाव के साथ साथ लाखों लोगों के लाइफ में भी बदलाव लाने वाला है, ऐसा कुछ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वोट कर सकते हैं। मेरे लिए वोट नहीं है, ये वोट लोगों के लिए है जो एक्चुअल में जिनकी जरूरत है। इंटरेस्ट बहुत तेजी से क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट के वोटिंग्स जो है वो 460-470 के अराउंड है, वो वोटिंग वोट्स वोट आ चुके हैं अभी, और टोटल जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो 927 है और 470 क्रॉस कर चुका है वोटिंग। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, अपनी टीम्स के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कम्युनिटीज के लिए जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। तो मैं आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो कि ब्रिज खत्म कर देगा क्रिप्टो और फिएट के बीच, जो कि ब्रिज खत्म कर देगा, जो गैप है वो खत्म कर देगा क्रिप्टो और फिएट के बीच, जिसमें हम सुनना चाहते हैं। रियली बता दूं नवीन जी? यस, हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और इसी मंथ में करने वाले हैं, और वो सरप्राइज भी मिल जाएगा आपको, देखने को भी मिलेगा, बट अनाउंसमेंट कर देता हूं, हम ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो क्रिप्टो और फिएट के बीच ब्रिज खत्म कर देगा। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक में, रियल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और कितना मर्जी भी क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह की टैक्सेशन के अंदर भी नहीं आएंगे, और ट्रांजेक्शन फीस, कन्वर्जन फीस वन ऑफ द लोवेस्ट का मतलब इतना कम कि कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्रिप्टो डाउन हो गया या अप हो गया, या आपका कन्वर्जन जो है, क्योंकि कन्वर्जन हमेशा बैंकिंग रेट से होता है। अगर मैं बात करूं $1 की, तो $1.84 का होगा, लेकिन अगर वो कन्वर्ट होगा करेंसीज में, तो 84 में ही कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन जब आप वो पैसा निकालते हैं INR में, तो शायद 91-90s का बिकता है। उसी तरीके से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास जो करेंसी कन्वर्ट होने वाली है वो 100% से ऊपर की जाती है, तो आपको कन्वर्जन चार्जेस नहीं के बराबर लगने वाला। बट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्री उसमें कन्वर्जन चार्जेज होंगे 1-2% के आसपास, सिर्फ 1-2% के आसपास में आप अपनी किसी भी तरह की क्रिप्टो, जो मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टोज हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, डॉजी कॉइन हो, रिपल हो, LTC हो, वट एवर द पॉपुलर करेंसीज, आप उसको बैंक में जब चाहे विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मंथली लिमिट कितनी होनी चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन की, बैंक की ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, बट आपके पास जो बैंक मिलने वाला है, मैं क्रिप्टो कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो कार्ड वी गिविंग यू, क्रिप्टो कार्ड तो है ही आपके पास वैसा बैंक अकाउंट जिसको आप बैंकिंग की तरह यूज कर सकते हो, दुनिया में कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपका IBN नंबर होगा, आपका ट्रांजेक्शन कोड होगा, रूट होगा, एवरीथिंग इन योर नेम,
एंड दैट ट्रांजेक्शन इन वन मंथ जो लिमिट है वो है जी $15 मिलियन का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये अच्छा वाला सरप्राइज है, बहुत जबरदस्त सरप्राइज। $15 मिलियन। यस, $15 मिलियन यू कैन डू ट्रांजेक्शन इन योर अकाउंट। जितना मर्जी आप कमाओ, किसी को कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। 2030 का हमारा एक विजन है और साथ के साथ बहुत सारी टीम्स ऐड हो रही हैं नॉर्डेक की तरफ से, ट्रेनिंग्स के लिए, आपकी मीटिंग्स के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के लिए, प्रोडक्ट डिजाइंड हो रहे हैं, प्रोडक्ट के मल्टी लैंग्वेजेस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमने बहुत सारे इन सारी चीजों पे काम किया है और मैं आज आप लोगों के बीच और एक सरप्राइज देने जा रहा हूं और आपको उस सरप्राइज से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मैं आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सेकंड सरप्राइज के लिए तो एक बार सारे हैंड लो कर रहा हूं, दोबारा वोटिंग चाहूंगा और मैं कुछ खास इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज, जिससे आप लोगों के बिजनेस में 4 चांद लगने वाला है। जैसे आज की मीटिंग में 925 पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं, इसी के साथ YouTube में भी 100 और 200 और 500, I don't know, YouTube में भी कुछ लोग होंगे। तो ऐसे ही हजार नहीं, एक एक दिन में आप 10-10 हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करेंगे। वैसे मेंटोर आप लोगों के बीच नॉर्डेक आप लोगों की सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर लाइफ ट्रेनिंग से लेकर विजन क्लियरिटी से लेकर वो हर चीज के ऊपर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं मिस्टर हिमांशु वर्मा जी, वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द एनर्जेटिक, वन ऑफ द यंगेस्ट मल्टी टैलेंटेड स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो आप लोगों के बीच आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर नवकिशोर फॉर हैविंग मी हियर। बहुत मजा आया लिटरली, एंड इतना अच्छा स्वागत आपने करा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका एक्चुअली में। एंड आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस मीटिंग के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी जबरदस्त नॉलेज, इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट है कि इसका तो क्या ही कहना है, राइट? और मैं ये जानता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त अभी एक्साइटमेंट होगी और बहुत ज्यादा मतलब एक पागलपन आया होगा, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट हम सभी को चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड को आज चाहिए जो रियली में कुछ रियल यूज केस के साथ मार्केट में आया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। जैसे कि मिस्टर नवल किशोर जी ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है और अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया ओनली, एंड पिछले 7 वर्षों से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं एज एन इंटरनेशनल स्पीकर, एज अ मोटिवेटर, एज अ कोच। मैंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया। शुरुआत मेरी इंडिया से हुई थी, तो इंडिया की टॉप टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऑफिशियल ट्रेनर रहा हूं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने यहां से लॉन्च करे और फिर मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला और कुछ कंपनीज के अंदर पास्ट में मैंने एज अ मैनेजमेंट के अंदर रोल हासिल करा और मिलियंस इन सेल्स हमने कंपनीज